जैसा कि अब तक हमने जो है थायराइड ग्लैंड, पैरा थायराइड ग्लैंड और जो है उसके अलावा सी सेल्स के बारे में जो है हमने स्टडी किया, व उसी में जो है हम आगे बढ़ते हुए अगर एड्रिनल ग्लैंड की तरफ चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसका नाम जो है सुप्रा रीनल ग्लैंड भी होता है, ठीक है। ये एक पेयर में होता है, सिंगल पेयर होता है। सुप्रा रीनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सुप्रा मतलब सुपीरियर और रीनल मतलब किडनी है। किडनी के सुपीरियर ये जो है एक रीनल फेसिया के अंदर जो है इनक्लोज होता है, बंद होता है। ट्रायंगुलर शेप का होता है ये, मतलब एक पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये सुपीरियर किडनी के सुपीरियरली जो है सिचुएटेड होता है और एक जो है रीनल फेसिया के अंदर जो है इन्क्लोज होता है। करीब करीब जो है 4 सेंटीमीटर जो है लंबाई होती है इसकी और 3 सेंटीमीटर जो है ये मोटा होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। हमने अब तक दो बातें बताई, पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड होती है मतलब एक पेयर में होता है, मतलब सिंगल पेयर होता है उसका, दो होती है क्योंकि दो किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर जो है मतलब सुपीरियर जो होता है दो दो एड्रिनल ग्लैंड होती है, ट्रायंगुलर शेप की होती है, 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है और 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये जो है आउटर लेयर जो होती है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर जो होती है इनर लेयर होती है उसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं। मतलब दो पार्ट हो गए इसके, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट को जो है हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलेंगे और इनर पार्ट को हम एड्रिनल मेडुला बोलेंगे। अब जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसकी खासियत क्या है, ये जो है करीब करीब 40 डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स का जो है प्रोड्यूस करता है जो कि जिसको जो है कलेक्टिवली हम कहते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, करीब 40 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का जो है प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि जो है कलेक्टिवली इनको कार्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कंप्लीट लॉस हो जाए एडिनो कार्टिकॉल हार्मोन्स का तो डेथ, फाइनली डेथ डेथ हो जाएगी। अगर कुछ ही दिनों में जो है अगर किसी के भी होता है ऐसे कि अगर कंप्लीटली लॉस हो जाए एडिनो कार्टिकॉल हार्मोन्स का तो जो है कुछ ही दिनों में या विद इन ए वीक उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उसमें जो है सीवियर डिहाइड्रेशन होगी और इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं कम्प्लीटली इम्बैलेंस हो जाएंगे, मीन्स ऐसी सिचुएशन में जो है जो भी पेशेंट है उसका सर्वाइव करना जो है एकदम जो है ना के बराबर है, मुश्किल है। जो ग्लैंड होती है उसके जो दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट जो है मेडुला होता है, ये जो है हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेसिस पे जो है करते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो एसेंशियल होता है लाइफ के लिए, जबकि मेडुला में ऐसी कोई बात नहीं होती है, मेडुला के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती है, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर फेल हो जाए एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन ना हो, किसी वजह से फेलियर हो जाए, देन सडन डेथ विद इन वीक R1 R2 डेज जो है। इसी में जो है अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे पास, तो जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, दोनों के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं।
जैसे एडिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो उसमें कार्टिसोल, कार्टिकोस्टिरोन, कार्टिसोन, एल्डोस्टिरोन, एंड्रोजेंस जो मेन मेन हार्मोन्स हैं वो इस तरीके से हैं, कार्टिसोल, कार्टिकोस्टिरोन, कार्टिसोन, एल्डोस्टिरोन, एंड्रोजेंस। जबकि जो एडिनल मेडुला है वहाँ से एपिनेफ्रिन, नारएपिनेफ्रिन दो तरह के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। जो जो ये सारे हार्मोन हैं, अब एक एक करके हम जो है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले एडिनल कार्टेक्स को जो है देखते हैं, डिस्कस करते हैं एडिनल कार्टेक्स के बारे में। इसमें जो है जो तीन इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टीरॉयड के तीन ग्रुप के हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉयड होता है, उसके जो है तीन ग्रुप जो होते हैं स्टीरॉयड के वो कोलेस्ट्रॉल से, मतलब थ्री ग्रुप ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। इनको जो है क्या करते हैं कि इनको जो है कलेक्टिवली इनको जो है एडिनोकार्टिकोकार्टिकॉइड्स या कार्टिकोस्टीरॉयड्स बोलते हैं। मतलब जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स होते हैं इनके तीन ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से, और जो है ये एडिनल कॉर्टेक्स इनको प्रोड्यूस करता है। इनको जो है कलेक्टिवली हम एडिनोकार्टिकॉइड्स कहते हैं या कार्टिकोस्टीरॉयड्स कहते हैं। जो तीनों ग्रुप हैं वो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स, जिनको एंड्रोजेंस कहते हैं। तो जो है हमने देखा कि तीन ग्रुप हो गए, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, मिनरलोकार्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स को एंड्रोजेंस भी हमने बोला, ठीक है। अब जो एक ग्रुप में जितने भी हार्मोन्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक एक्शन जो है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एक्शन है, सबका जो है अलग अलग फंक्शन होता है। ये लोग जो है ये सारे जो है स्ट्रक्चरली जो है स्ट्रक्चर इनका सिमिलर होता है, बट एक्शन इनका एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। इसी में जो है हम सबसे पहले जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स को देखें तो हाइड्रोकार्टिसोन, कार्टिसोल जो होता है ये जो है मेन ग्लूकोकार्टिकॉइड होता है। कार्टिसोल जो होता है इसको हाइड्रोकार्टिसोन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है मेन जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होता है। बहुत स्मॉल अमाउंट में जो है कार्टिसोन और जो है कार्टिकोस्टिरोन जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है। सो मतलब इनको दोनों को मिला के कार्टिकोस्टिरोन और कार्टिसोन दोनों को जो है मिला के जो हम स्टीरॉयड्स का नाम देते हैं। ये जो है लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, एसेंशियल हार्मोन होता है लाइफ के लिए। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। क्या करता है कि जो मेटाबॉलिज्म है उसका रेगुलेशन करना और जो भी स्ट्रेस का रिस्पॉन्स आता है उसको रेगुलेट करना इसका फंक्शन होता है। ये जो है स्टिमुलेट किया जाता है ACTH के द्वारा ACTH के द्वारा जो है स्टिमुलेट किया जाता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है जब स्ट्रेस होता है तो उसके द्वारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो है स्टिमुलेट करके जो है ACTH का जो है इसका सिक्रीशन किया जाता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स जो होते हैं उनके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है, मतलब जो है एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट इनका जो है इनकी एक्टिविटी होती है। मतलब कह सकते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी भी ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स के पास जो है होती है। तो इसमें जो है जो दूसरी दूसरे दूसरा टाइप का जो हार्मोन है, पहले हमने ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड देखा, दूसरा जो है मिनरलोकार्टिकोस्टेरॉइड्स देखा। मिनरलोकार्टिकॉइड्स जो है इसमें जो है हमने एल्डोस्टेरॉन को भी लिया है,
तो जो है एल्डोस्टेरोन जो होता है मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और ये जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में जो है इन्वॉल्व रहता है एवरी टाइम। हमेशा जो है इसका फंक्शन जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर कोई जो है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आ रही है तो ये स्टिमुलेट होता है, और सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन जो है बढ़ा देता है रीनल ट्यूब्यूल से, और जो है पोटेशियम आयन को जो है यूरिन से जो है रीएब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है। रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने का काम शुरू करता है। जो सोडियम रीएब्जॉर्प्शन है ये जो है रिटेंशन ऑफ वाटर से कंप्लीट किया जाता है, और एल्डोस्टेरोन जो होता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन या रेगुलेट करने में जो है मदद करने लगता है। जो एल्डोस्टेरोन होता है चूँकि सोडियम कम हुआ तो इसका रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो गया है, क्योंकि सोडियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सोडियम आयन ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों के लिए। तो ये सब इसका जो एक तरह से जो है सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि ये जो है रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड प्रेशर दोनों को। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन हो जाता है। अगली चीज़ ये है कि जो ब्लड पोटेशियम लेवल है वो भी जो है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन से रेगुलेट किया जाता है, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो है सिक्रीट की जाती है। जब ब्लड पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो जो है ज़्यादा एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। हमने ये कहा कि जब ब्लड पोटेशियम लेवल रेगुलेट करना होता है तो जो है उस टाइम जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन किया जाता है। जब अगर कभी जो है ब्लड पोटेशियम लेवल जो है बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, पोटेशियम का लेवल है ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो ज़्यादा एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन जो है स्टार्ट हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर लो ब्लड पोटेशियम जो है क्या होता है कि हो जाता है तो अपोजिट हो जाता है, ठीक है, और एंजियोटेंसिन जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है एल्डोस्टेरोन की रिलीज करने के। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है? जो रीनल ब्लड फ्लो होता है वो, या फिर अगर कभी कम हो जाता है या ब्लड सोडियम लेवल गिर जाता है कम हो जाता है तो जो रेनिन एंजाइम है वो किडनी सेल्स के द्वारा सिक्रेट की जाती है। हमने ये कहा कि जब रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर ब्लड सोडियम लेवल कम हो जाता है तब जो है किडनी सेल्स के द्वारा रेनिन एंजाइम को जो है सिक्रेट किया जाता है। जो रेनिन होती है वो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन जो है, जो होती है प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजिन, इसको जो है कन्वर्ट करती है लीवर के द्वारा, और किस में कन्वर्ट करती है? एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। रेनिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, और ये जो एंजियोटेंसिनोजेन होता है ये लीवर के द्वारा जो है बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है ACE जो
जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वो बहुत थोड़े से अमाउंट में लंग्स में जो है फॉर्मेशन होता है इसका। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ये जो है लंग्स में जो है इसका बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्मेशन होता है, और प्रॉक्सिमल किडनी ट्यूब्यूल्स और दूसरे टिश्यूज एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करने में जो है ये हेल्प करता है, जो कि स्टिमुलेट किया जाता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए, जो कि स्टिमुलेट किया जाता है एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन के द्वारा। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती है और जो है ब्लड प्रेशर को इनक्रीज़ करती है और जो निगेटिव फीडबैक लूप होता है उसको बंद करती है। ठीक है, जो निगेटिव फीडबैक लूप होता है उसको क्लोज करती है। अब जो है नेक्स्ट है, मतलब थर्ड पे आते हैं, इसमें जो है सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स जितने भी होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो है सिक्रेट किए जाते हैं, मेनली एंड्रोजेंस मेल सेक्स हार्मोन्स जो बोलते हैं। जो भी सिक्रीशन होता है वो टेस्टिस और ओवरी के द्वारा होता है और एडल्टहुड में होता है या फिर लेट प्यूबर्टी में होता है। जो एड्रेनल मेडुला है, एड्रेनल मेडुला की बात करें हम तो जो है तीन पार्ट हमने उसके बता दिए। दूसरा जो हमारे पास जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरा पार्ट जो है एड्रेनल मेडुला है, उसका जो एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट है, तो ये कम्प्लीटली जो है जो मेडुला जो होता है कम्प्लीटली सराउंडेड बाई होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा। इसके ऊपर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो पूरी चारों मतलब तीनों तरफ से जो चार एकदम से घेरे हुए होता है। ये जो है नर्वस टिश्यू को डेवलप करता है एम्ब्रियो के अंदर, और जो है ये जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। जब ये एक्सेसिव सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन बोलते हैं इसको 80% और नार एड्रेनालिन या नार एपिनेफ्रिन 20% का सिक्रीशन ये करती है। हमने ये बोला कि जो मेडुला होती है कम्प्लीटली सराउंडेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, मेडुला इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई एड्रेनल कॉर्टेक्स और ये नर्वस टिश्यू को डेवलप करती है एम्ब्रियो के अंदर और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। दूसरी चीज़ कि जब ये स्टिमुलेट किए जाती है एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई के द्वारा तो जो ये ग्लैंड होती है वो जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसमें दो हार्मोन्स हैं एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं जो कि जिसका जो अमाउंट होता है 80% होता है। नार एड्रेनालिन जो होती है उसको जो है नार एपिनेफ्रिन भी कहते हैं जिसका अमाउंट 20% होता है। अब जो है एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन या फिर और जो है नार एड्रेनालिन नार एपिनेफ्रिन इनकी बात करें तो नार एड्रेनालिन जो होती है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर होती है सिंपैथेटिक डिवीज़न की, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। हमने बोला कि जो एड्रेनालिन होती है नार एड्रेनालिन होती है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर नार एड्रेनालिन जो होती है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक डिवीज़न की होती है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। अगर एड्रेनालिन की बात करते हैं कि ये एड्रेनालिन और कुछ नॉर एड्रेनालिन
ये जो है रिलीज़ की जाती हैं ब्लड में एड्रिनल मेडुला के द्वारा, जब स्टिमुलेशन होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। एड्रिनालिन और कुछ और जो है नॉरएड्रिनालिन जो कि रिलीज़ की जाती हैं ब्लड में, ब्लड फ्लो में, कब? जब एड्रिनल मेडुला जो है स्टिमुलेट की जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। जो एक्शन होता है इन हार्मोन्स का वो जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी देर तक रहना है, ये पूरी तरीके से जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है इसके बाद से जो हम बात करने वाले हैं वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सबको मालूम कि पैंक्रियाज जो होती है वो जो है मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि इसके अंदर एंडोक्राइन प्लस एक्जोक्राइन दोनों तरह की जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसको इसका डिस्कशन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी किया था, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो है इसको किया था। जो तीन जो होती हैं मेन सेल्स होती हैं पैंक्रियाटिक आइसलेट की जो है, तीन मेन सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं और डेल्टा सेल्स होती हैं। अब इसमें जो है अगर हम अल्फा सेल्स की बात करें तो ये ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती हैं। ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन जो होता है अल्फा सेल्स के द्वारा होता है। बीटा सेल्स की बात करें तो जो है ये इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, आपको मालूम है इंसुलिन इंसुलिन का सिक्रीशन जो है बीटा सेल्स के द्वारा की जाती है। तीसरी जो है हमारे पास डेल्टा सेल्स होती हैं। डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो स्टेटिन की का जो है सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। मतलब अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करती हैं, बीटा सेल्स जो होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, डेल्टा सेल्स जो होती हैं वो सोमैटोस्टैटिन का सिक्रीशन करती हैं। अब जो है इसमें अगर हम आगे बात करें तो जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 3.5 to 8 mmol पर लीटर, यानी कि 63 to 144 mg पर 100 ml। हमने जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल बताया वो जो है रेंज जो है 3.5 to 8 mmol पर लीटर, ठीक है, या फिर 63 to 144 mg पर 100 ml। ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये मेनली कंट्रोल किया जाता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों के अपोजिट एक्शन के द्वारा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट एक्शन करते हैं, उनके द्वारा जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को जो है कंट्रोल किया जाता है। जो ग्लूकेगॉन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इंसुलिन क्या करता है रिड्यूस करता है। हमने दो बातें बताई कि जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन होता है दोनों का सिक्रीशन जो है, दोनों के सिक्रीशन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं और यही जो है क्या करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। मतलब जो इनका अपोजिट एक्शन होता है उसके द्वारा ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल किया जाता है। मतलब ग्लूकेगॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एंड इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। इसी में जब इंसुलिन की बात करते हैं तो जो मेन फंक्शन होता है ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल को कम करना, केवल ग्लूकोज को नहीं बल्कि जो अमीनो एसिड और फैटी एसिड को भी। जो इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है जो बढ़ा हुआ ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल है उसको कम करना और
केवल ग्लूकोज को नहीं बल्कि अमीनो एसिड और फैटी एसिड को भी। अब जो ये इफ़ेक्ट आता है इसको जो है एनाबोली कह सकते हैं। ये जो है प्रमोट करता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को। जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं ग्लूकोज के रूप में एक्सेस हो जाएं या फिर इन जो इमीडिएटली जो ज़रूरत होती है इंसुलिन की वो जो है इनके स्टोरेज के ऊपर जो है प्रमोट हो जाए। मतलब ये हुआ कि इन ये एनाबोलिक इफ़ेक्ट देते हैं और ये प्रमोट करते हैं न्यूट्रिएंट्स के स्टोरेज के लिए। अगर मान लीजिए स्पेशली न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो स्पेशली ग्लूकोज की बात करें कि अगर एक्सेस में है तो इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट किया जाता है इनके स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, अब मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म बाय विच इंसुलिन लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है अपटेक और यूज़ किसके ग्लूकोज के जो है अपटेक और यूज़ को स्टिमुलेट करता है। किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के द्वारा। मतलब जो मेन होता है क्या होता है कि ये जो है इंसुलिन जो है ये क्या करती है कि जो है सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है और जो है स्टिमुलेट करती है अपटेक और यूज़ को मसल ग्लूकोज के अपटेक और यूज़ को जो है ये क्या करती है स्टिमुलेट करती है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और मसल्स के द्वारा। जो इंक्रीजिंग कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का वो ग्लाइकोजन में होता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं उसको। ये लीवर में होता है और स्केलेटल मसल्स में होता है। हमने क्या कहा कि जो इंक्रीजिंग कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का वो ग्लाइकोजन में होता है। जो भी ग्लूकोज होता है उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में होता है और जो जिस प्रोसेस के द्वारा होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये लीवर में होता है और स्केलेटल मसल्स में होता है। अब किसी सेल्स के द्वारा जो है अगर एक्सीलेटिंग अपटेक मतलब ज़्यादा अपटेक हो रहा है तो जो है या फिर सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की तब भी जो है ये ग्लूकोज का कन्वर्जन